खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को क्योंकि नाम को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली न्यूट्रिशन टाइमली आपको मिलता रहे। तो व्यूवर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है विनीगर चिकन पोटैटो, और इसकी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार तैयार होने वाली चिकन के हवाले से रेसिपी आज हम शेयर कर रहे हैं। लेकिन विनीगर के साथ इसको हम बनाएंगे, ये कैसे बनेगी, इसकी तरकीब क्या है, ये जानते हैं मम्मा से। जी मम्मा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुर्गी मैंने ले ली है, इसमें मैंने घी और थोड़ा सा ना ज़ीरा डाला है अभी, ठीक है आपके सामने। अच्छा, यानी कि आज की जो सी रेसिपी है वो आप घी में तैयार कर रहे हैं। हाँ जी, नहीं थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे ना। नहीं मतलब एज यूजुअल हम लोग कुकिंग ऑयल यूज करते हैं ना। हाँ, लेकिन ये जो रेसिपी इसके लिए मतलब घी नहीं, अपनी अपनी मर्जी है, अपनी मर्जी, मतलब कुकिंग ऑयल भी यूज कर सकते हैं। हाँ जी, अपनी मर्जी है आपकी, ठीक है। चले आप, चाहे आप देसी घी में भी पका लें। देसी घी, अच्छा ठीक है। ये देखे मैंने ना ये दादरी मिर्च डाल ली है, इसमें हल्दी वगैरह कोई चीज नहीं पड़ेगी। 1 टेबलस्पून जो सा है वो दादरी मिर्च का शामिल किया है। तो ये चिकन 1 kg है। हाँ जी, 1 चम्मच नमक का और 1 ही चम्मच नमक का है, लेकिन 2 टेस्ट हसबे जायका आप लोग कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। हाँ जी, अगर मैंने ना अभी डाल दिया ना सिरका तो ये मुर्गी गलेगी नहीं जल्दी। आलू, आलू और मुर्गी अभी फिलहाल तो फर्स्ट स्टेप है, चिकन को तो पकाएंगे ना उसके बाद। ये ना ये सिरका ना अगर आप पकाएं मुर्गी गल जाए, ये ना मैं मिक्स कर देती हूँ ना, अब मैंने इसे पकने के लिए रख देती हूँ, थोड़ी सी गल जाएगी ना साथ ही आलू डाल दूँगी। जब आलू तकरीबन गलने पे आ जाएंगे ना फिर मैं ये सिरका डालूंगी, ठीक है। मतलब पहले हम लोगों ने नहीं है, नहीं फिर वो आलू गलेंगे नहीं, आलू नहीं गलेंगे, ठीक है। तो अभी रखते हैं इसको पकने के लिए, देखें मम्मा ने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। तो हम रेसिपी को करते हैं शुरू और आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारी वीडियो को पूरा देखना। देखना जो सर विनीगर चिकन पोटैटो की रेसिपी हम आपके साथ शेयर करें वो कैसे फाइनल होगी। तो 10 मिनट हो गए पकते, ठीक है। अब मैं ना आलू डालती हूँ। तो हाफ कुक हम लोगों ने कर लिया चिकन को। हाँ, अब इसके बाद मम्मा जो से इसके अंदर आलू वो शामिल करे। तो मम्मा आलू आपने कितने लिए हैं? आलू बच्चे पसंद करते हैं ना, मैंने घर में ही पड़े थे वो ही मैंने लिए आलू। मतलब 3 से 4 अदद कह सकते हैं। हाँ जी, ये कह लें आधा किलो कह लें, चाहे आधा किलो होंगे आलू के, ठीक है। तो मतलब आप लोग अपनी जितना आपको पसंद है उतने आप आलू डाल दें। हम लोगों को मतलब आलू ज़्यादा पसंद है तो हम लोगों ने ज़्यादा शामिल कर दिए हैं। बच्चे शौक से खाते हैं। ये देखिए पानी भी आ गया, हम लोगों ने पानी से ये ना आलू भी हो जाएंगे साथ, मुर्गी भी हो जाएगी, फिर भून लेंगे तो सिरका डाल के फिर हमारी हांडी तैयार हो जाएगी। ओह वाह, कितना झटपट तैयार हो जाएगी फिर तो ये। हाँ जी, ये इसमें प्याज वगैरह नहीं डालने। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी ज़बरदस्त खुशबू आई है इसके अंदर। सिंपल हम लोगों ने सिर्फ जो से वो 3 इंग्रेडिएंट्स शामिल किए हैं। एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देते हैं उन लोगों के लिए, मतलब जिन्होंने अगर हमारे वीडियो को कहीं से स्किप कर दिया। वैसे तो आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करना चाहिए, आप लोगों को वीडियो को पूरा देखना चाहिए। इसके साथ साथ आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को चाहिए कि आप लोग जहाँ हमारी वीडियो को देखते हैं, कमेंट करते हैं, वहाँ काइंडली हमारी वीडियो को लाइक भी किया करें। तो आप सब लोगों से, सब बहन भाई से रिक्वेस्ट है कि जहाँ आप लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, कमेंट करते हैं, वहाँ पर प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। तो मम्मा अब आप बताएं कि आपने क्या क्या मतलब इसके अंदर। आप बेटा मैं सिरका डालने लगी। अच्छा, पहले आपने जो से इंग्रेडिएंट डाले उनके अंदर जीरा, नमक और दादरी मिर्च, इसको धड़ा मिर्च भी कहते हैं। ये ना मैंने ना आधी कटोरी विनीगर चिकन, क्योंकि हमारी रेसिपी है तो विनीगर जो सा है वो मम्मा ने 1/2 कप इसके अंदर शामिल कर दिया है। तो मम्मा इसको अच्छे से भुने, वाओ बहुत अच्छी खुशबू आई सिरके की। जी, क्योंकि हम लोग पहले डाल देते हैं ना तो फिर आलू नहीं होने थे। हाँ वो ज़रा से हो गए, जब मैं थर जाना मतलब हार्ड रह जाने थे, इसलिए इनको हम लोगों ने पहले पका लिया है। उसके बाद ऐसे ही सेम जो सीन है वो इमली के साथ है कि अगर आप लोग इमली को पहले डाल देंगे तो जो से मतलब चिकन वगैरह वो नहीं गलेगा, वो थोड़ा सख्त रह जाएगा। इसलिए ये जो मेन ट्रिक मतलब ट्रिक है कि खटास के हवाले से कोई भी खट्टी चीज़ जो सी है वो आप पहले मत शामिल किया करें। तो मम्मा ये सारा पानी अब जो से चिकन का ही ये निकला है घी आ जाएगा ना तो भुना जाएगा, बस ये है। फिर जो मतलब रेसिपी है वो हमारी तैयार हो जाएगी। खुशबू माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है सालन, तो वो बच्चे कह रहे थे बना के दो, ये शौक से खाते हैं मेरे बच्चे। हाँ, विनीगर चिकन की एक जो रेसिपी है बहुत ही अच्छी बनती है, और ख़ासतौर पर जो मेरी खाला, जब मतलब मम्मा बनाते हैं तो मेरी खाला के बारे में बात करते हैं कि खाला जो उनसे वो बहुत अच्छा बनाती थी, तो मेरी मम्मा भी बहुत अच्छा बनाती हैं। आप लोग भी बहुत अच्छा बनाएंगे अगर आप लोग कुकिंग विद नाज़नी के तरीके से बनाएंगे। तो अभी इसका पानी रिड्यूस करते हैं और फिर आपको दोबारा दिखाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये देखें हम भून रहे हैं, घी भी आना शुरू हो गया है, अच्छी तरह आप भून लेंगे
क्योंकि जायका बिल्कुल बहुत अच्छा बना है इसका। आप बनाएं, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। हाँ जी, अब डिश आउट करके दिखाते हैं, निकाल के मसाला। जी तो व्यूवर्स, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जो सी आज की रेसिपी है विनेगर चिकन पोटैटो बिल्कुल तैयार हो गई है। अगर आप लोग चाहें तो पोटैटो ना ऐड करें, लेकिन हमें पसंद है इसलिए हम लोगों ने ऐड किया है। तो सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप जो विनेगर चिकन की रेसिपी को भी तैयार कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इसका फाइनल लुक। कोई भी मतलब मसाला हम लोगों ने ऐड नहीं किया, कोई प्याज यूज़ नहीं किया। ये बिल्कुल जो चिकन का कहते नहीं है वो मतलब ड्राई सा जौन सा मतलब सालन है। इसके अंदर कोई भी हम लोगों ने ग्रेवी नहीं तैयार की, कोई प्याज नहीं डाला, कुछ नहीं है। तो बस आप लोग इसको गर्मा गर्म रोटी के साथ या नान के साथ खाएं। तो आपके पास च्वाइस ही मौजूद है, अगर आप लोगों ने मतलब आलू डालें तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं डालें तो आप उसके बगैर भी जौन सा विनेगर चिकन की रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। तो गर्मा गर्म की रेसिपी है, ये है इसका फाइनल लुक। तो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आपको जौन सी आज की रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आपको मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस को रेटली मिलते रहें। तो वे देते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हम इस मज़ेदार सी रेसिपी के साथ इजाज़त दें, और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।